Today we are going to understand about the conservative and non-conservative force. There are several forces in the nature, but some are conservative and some are non-conservative. What this conservative means when you say a force is conservative, and what this non-conservative means when you say a force is non-conservative, इसका एक real feel आज हम लोग अपने इस video lectures में लेंगे. So suppose you throw a tomato upward. You throw a tomato upward. Up in this case, you have a system. You have a system, and the system consists of आपके पास जो system है वो क्या है, तो tomato ठीक है plus earth, ये दोनों मिलकर के आपका एक system बन रहा है. और इस system के बीच जो interacting force है वो क्या है, इंटरैक्टिंग फोर्स आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज द इंटरैक्टिंग फोर्स व्हिच इज इंटरैक्टिंग बिटवीन द टू सिस्टम्स. ये इस पे क्या लग रहा है, तो अर्थ की वजह से एक फोर्स लग रहा है mg. ये इंटरैक्टिंग फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है. एक तो आपका आपका हैंड जो है सो एप्पल को एक अपवर्ड फोर्स दिया होगा, और हमारा एज्यूम्पशन है हमारा सिस्टम समझ में आ गया कि दो टोमेटो और अर्थ से हमारा सिस्टम बना है, और इनके बीच जो इंटरैक्टिंग फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो अब क्या होगा कि टोमेटो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, एज द टोमेटो मूव अपवर्ड, अब बेसिक चीज जानते हैं कि इसका जो है सो स्पीड क्या होगा, घटेगा. टोमेटो का जो है स्पीड घटेगा, ठीक है, जैसे जैसे टोमेटो ऊपर की ओर जाएगा. ऐसा हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं. अब यहाँ हो क्या रहा है, जैसे जैसे टमाटो ऊपर जाएगा तो जो टमाटो का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या हो रहा है कि टमाटो जो है तो डिस्प्लेस हो रहा है इधर की ओर, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टमाटो. और जो फोर्स लग रहा है एनजी वो नीचे की ओर है, ठीक है. तो क्या होगा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस टमाटो पे एक काम करेगा, ठीक है. क्या होगा कि इस टमाटो पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी अपना एक काम करेगा, ठीक है. ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स डज सम वर्क, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस टमाटो पर वर्क करेगा वो क्या होगा, वो निगेटिव वर्क डन होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है आप देख रहे हैं अपवर्ड है, टमाटो ऊपर की ओर जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर जा रहा है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा. क्यों, क्योंकि इनके बीच एंगल है, जहाँ फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है, और इसीलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव होगा. और आपको पता है कि वर्क डन इज द ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अगर आपके टमाटो पे कुछ काम हुआ है इसका मतलब है कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, टमाटो की एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है. तो वर्क किसने किया है, वर्क किया है आपका ग्रेविटी ने, ठीक है. तो ग्रेविटी ने टोमेटोस पे वर्क किया और वर्क डन किया है आपका, तो वर्क डन आपका है यहाँ पे निगेटिव वर्क डन है. निगेटिव वर्क डन से क्या आप समझ सकते हैं कि एनर्जी जो है वो घटी है. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे मान लो कि टोमेटो है, ठीक है, ये टोमेटो है, और इस टोमेटो पे अगर बाहर से जो वर्क डन है इस टोमेटो पर वो क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब टोमेटो की एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी, एनर्जी घटेगी. लेकिन आपको मालूम है कि एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी अगर घटी तो किसने घटाया, एनर्जी को घटाया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, निगेटिव वर्क डन करके ग्रेविटेशनल फोर्स ने टोमेटो की एनर्जी को घटाया. अच्छा, तो टोमेटो के पास अभी इनिशियली कौन सी एनर्जी थी, उसके पास जो अभी एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एमवी स्क्वायर थी, ठीक है, एमवी स्क्वायर थी. ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ एमवी स्क्वायर है टोमेटो के पास, ठीक है. तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन किया, वो वर्क डन क्या निकला, निगेटिव निकला. निगेटिव वर्क डन की वजह से टोमेटो पे का जो एनर्जी हुआ वो क्या हुआ, डिक्रीज किया, टोमेटो का एनर्जी डिक्रीज हुआ. अब ये एनर्जी अगर डिक्रीज हुआ तो टोमेटो का एनर्जी कहीं ना कहीं तो गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कैचेस कि टोमेटो का जो एनर्जी डिक्रीज हुआ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि उस एनर्जी को सेव कर देता है, और कहाँ सेव करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव कर देता है. और पोटेंशियल
इनर्जी के फॉर्म में सेव कर देता है। कहाँ पे? तो आपके सिस्टम में, मतलब टोमेटो प्लस अर्थ सिस्टम में, टोमेटो प्लस अर्थ सिस्टम में वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो है सो अपना जो एनर्जी इस टोमेटो से ट्रांसफ़र हुआ। तो जैसे जैसे ये एप्पल ऊपर जा रहा है इसकी एनर्जी घट रही है और इसकी जो एनर्जी है वो इस टोमेटो और अर्थ सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो रही है। तो जब टॉप पॉइंट पे यहाँ पे आपका टोमेटो, जब मान लो यहाँ पे टोमेटो होगा, ये मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, टॉप पॉइंट है, तो यहाँ पे जो टोमेटो के पास एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ पे जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, ठीक है, ये जो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ वो किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया। तो ये जो ड्यूरिंग द एसेंट है, ये क्या है, एसेंट फेज है, यहाँ क्या हो रहा है, एसेंट हो रहा है। एसेंट के समय पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर जब नीचे की ओर एप्पल आ रहा होता है, यहाँ देख रहे हैं एप्पल जब नीचे की ओर आता है तो क्या है, जैसे सपोज करें किसी भी मोमेंट पे मान लीजिए यहाँ पे एप्पल है, तो इस पॉइंट पे एप्पल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी वो नीचे की ओर है और साथ में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो है सो जब एम जी और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो जब डिसेंट फेज आता है, डिसेंट, ठीक है, डिसेंट फेज में जो है सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव है। और अगर डिसेंट फेज में वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर मान लीजिए टोमेटो पे वर्क डन जो है सो पॉजिटिव निकला, ठीक है, टोमेटो पे जो वर्क डन हुआ बाहर से, जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन क्या है, ये पॉजिटिव वर्क हुआ, मतलब कहीं ना कहीं टोमेटो का जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी क्या हुआ इसका, इंक्रीज किया। और इसका एनर्जी अगर इंक्रीज किया, इसको अगर एनर्जी कहीं से मिली तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी इसको मिली होगी। तो ये जो एनर्जी है वो इसको कहाँ से मिली, एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, अर्थ प्लस जो आपका टोमेटो था, अर्थ प्लस टोमेटो सिस्टम से पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स ने बाहर निकाला और उसको किसको ट्रांसफर कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोमेटो में ट्रांसफर कर दिया, टोमेटो में ट्रांसफर कर दिया। तो आप देख रहे हैं क्या चीज, कि ड्यूरिंग द एसेंट फेज में ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव वर्क करता है। अगर एसेंट फेज में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, अगर एसेंट फेज में मान लो डब्ल्यू वन वर्क डन हुआ और डिसेंट फेज में मान लो, डिसेंट मतलब जब टोमेटो नीचे की आ रहा था, डब्ल्यू टू वर्क हुआ, तो आप देख पा के रहो कि जिस काइनेटिक एनर्जी से ये ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव किया, वहीं जब यहाँ पे जब उसी पोजीशन पे जब टोमेटो आ जाएगी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगा। मतलब W1 जो है वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हाइल इन एसेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हाइल इन डिसेंट। तो आप क्या देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपका पूरे मतलब राउंड ट्रिप में एनर्जी क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, एनर्जी क्या रह रहा है, एनर्जी कंजर्व रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम वो कंजर्वेटिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। इस पूरे डिस्कशंस में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक और है कि सपोज वी शो द ब्लॉक सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द राइट। यहाँ जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, ये ब्लॉक और प्लस स्प्रिंग ये मिल के हमारा सिस्टम बन रहा है। इनके बीच जो इंटरैक्टिंग फोर्स है वो क्या है, इंटरैक्टिंग फोर्स जो इनके बीच है, इंटरैक्टिंग फोर्स जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक्चुअली में इलास्टिक फोर्स है। तो ये जो इनके बीच इंटरैक्टिंग फोर्स है ये क्या होता है कि जैसे ही आपका ब्लॉक अगर मान लीजिए कि टुवार्ड्स राइट मूव किया, आपने एक फोर्स अप्लाई किया और जिसके वजह से मोमेंटली ये टुवार्ड्स द राइट मोशन में आया, इसके पास सपोज करें कि इनिशियली वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट पर जब था, जब ये ब्लॉक यहाँ था तो इसके पास वेलोसिटी भी थी। अभी हम किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कि इस पॉइंट से ब्लॉक मान लीजिए ये एक्स लेंथ डिस्प्लेस कर गया है, तो इसने क्या किया, इस स्प्रिंग को अपने अनस्ट्रेच्ड लेंथ से एक्स लेंथ जो है, एक्स लेंथ इसको कॉम्प्रेस कर दिया, ठीक है।
तो जब एक्स लेंथ स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग का जो इलास्टिक फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इस ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में Fs एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा टुवार्ड्स द राइट, उस समय जो वर्क डन बाय Fs क्या है, Fs इज द स्प्रिंग फोर्स, याद रखिए दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, Fs इज द स्प्रिंग फोर्स। तो जब आपका ब्लॉक टुवार्ड्स द राइट मूव करेगा तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो होगा Fs, ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ये क्या होगा, तो ये होगा आपका, देखिए स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली में जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो यहाँ देखिए निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 180 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, दैट्स वाई द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज निगेटिव। अगर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स निगेटिव है, इसका मतलब किस पे है, ब्लॉक पे हो क्या रहा है कि ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक पे एक वर्क डन हो रहा है किसके द्वारा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इस पे एक वर्क डन कर रहा है, और ये जो वर्क डन है ये क्या है, तो निगेटिव वर्क हो रहा है। निगेटिव वर्क का क्या मतलब हुआ कि ब्लॉक से स्प्रिंग फोर्स एनर्जी बाहर निकल रहा है, एनर्जी क्या निकल रहा है, तो एनर्जी बाहर निकल रहा है, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, बाहर निकल रहा है मतलब ब्लॉक की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ब्लॉक के पास क्या होगा, इनिशियली एक काइनेटिक एनर्जी होगी, के एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इनिशियल जो है वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जहां भी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ब्लॉक टुवार्ड्स द राइट मूव करेगी तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो ब्लॉक पे निगेटिव वर्क करेगा, और इसीलिए वो ब्लॉक की एनर्जी को घटाता जाएगा, तो ब्लॉक की एनर्जी घटती जाएगी। अब अगर ब्लॉक की एनर्जी बाहर निकल रही है, घट रही है, तो एनर्जी जो है सो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर एनर्जी बाहर जा रही है ब्लॉक से निकल के, तो जा कहाँ रही है, एनर्जी जा रही है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम में जा रही है, और वहां जाकर के ये एनर्जी जो है सो स्टोर हो रही है, एक तरह का ये स्टोर हो रहा है एनर्जी जो है, ठीक है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली ब्लॉक की एनर्जी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के मतलब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है। तो जैसे जैसे ब्लॉक इधर की ओर जाएगा, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और एक मैक्सिमम लेंथ होगा जहां पे आने के बाद क्या होगा, क्योंकि ब्लॉक क्या है तो स्पीड घटता जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे कि ब्लॉक का स्पीड जो है वो वेलोसिटी वी जो है वो जीरो हो जाएगा। सपोज करिए वो ये पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया ब्लॉक का, उसके बाद भी स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो स्प्रिंग फोर्स तो टुवार्ड्स द लेफ्ट ही मतलब काम करता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऐसा मोमेंट आएगा जब ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है, और जब ब्लॉक रुक जाएगा तो उस समय जो सारा एनर्जी है ब्लॉक का, इट गेट्स ट्रांसफर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स। लेकिन अब रुकने के बाद तो स्प्रिंग फोर्स काम करता ही रहेगा। अब ये स्प्रिंग फोर्स जब काम करेगा तो ब्लॉक क्या करेगा, राइटवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स द सॉरी लेफ्टवर्ड, ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स द सॉरी लेफ्टवर्ड, ठीक है, ब्लॉक लेफ्टवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्प्रिंग फोर्स Fs, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इसको इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे एक्ट होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी देखो तो इसी डायरेक्शन में है। तो कहीं ना कहीं जब ब्लॉक तुम्हारा यहाँ से लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, जो WFS है ये क्या है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और ये जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, इस ब्लॉक पे अगर बाहर से स्प्रिंग फोर्स जो है Fs ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब ब्लॉक की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, एनर्जी उसकी बढ़ेगी। और अगर ब्लॉक की एनर्जी बढ़ेगी तो ये फिर ये एनर्जी मिल कहाँ से रही है, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनर्जी जो है उससे ब्लॉक में फिर से एनर्जी रिस्टोर हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मतलब इस पोजिशन से इधर जाने में वर्क डन अगर W1 हुआ और इस पोजीशन से इधर आने में वर्क डन अगर W2 हुआ, तो आप देख सकते हो कि इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, या आप कह सकते हो कि नेट वर्क डन राउंड ट्रिप, नेट वर्क डन
इन राउंड ट्रिप इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपका प्रॉपर्टीज है स्प्रिंग फोर्स का, कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल है, उतना ही वर्क जाने में, जितना वर्क यहाँ से यहाँ जाने में हुआ उतना ही वर्क यहाँ से यहाँ आने में हुआ, या आप इनर्जी के फॉर्म में कह सकते हो कि जितनी इनर्जी ट्रांसफर हुई स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ब्लॉक के राइटवर्ड मोशन के दौरान, उतनी ही एनर्जी जो है सो स्प्रिंग फोर्स ने इसको लौटा दिया ब्लॉक को जो है सो। तो अल्टीमेटली एनर्जी क्या हो रहा है, तो एनर्जी जो है सो कंजर्व रह रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखा आपने कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, और फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, यही प्रॉपर्टी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी कहलाता है। सपोज करिए कि लेट अस सेंड ए ब्लॉक स्लाइडिंग अक्रॉस द फ्लोर। अब क्या आ गया है, यहाँ भी हमारे पास अगर देखिए तो सिस्टम है, वी हैव अ सिस्टम है, ब्लॉक प्लस सरफेस हमारा सिस्टम है, ब्लॉक प्लस सरफेस हमारा सिस्टम है, इनके बीच भी इंटरैक्टिंग फोर्स काम कर रहा है, इंटरैक्टिंग फोर्स इनके बीच भी काम कर रहा है, और वो कौन सा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है सो क्या, ब्लॉक अगर इधर की ओर स्लाइड करेगी, मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट करेगा एफ। ठीक है। अगर ये ब्लॉक यहाँ से डिस्प्लेस्ड होकर के, इस पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के, सपोज करो कि डी लेंथ यहाँ आ गया, ठीक है, ये ब्लॉक कहीं ना कहीं यहाँ पे, ये ब्लॉक सपोज करो कि आ गया डिस्प्लेस होकर के डी लेंथ, तो वर्क डन जो हुआ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ यहाँ पे, मान लो ये डब्ल्यू वन जो हुआ, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो वर्क डन हुआ वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ इसका डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क होगा माइनस एफ, और दोनों के बीच ऑब्वियसली माइनस एफ इंटू डी, ये होगा वर्क डन। जब ब्लॉक यहाँ आ गई और ये ब्लॉक यहाँ से अगर मान लो इधर की ओर मूव करेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इधर की ओर एक्ट करेगा। उस केसेस में जब यहाँ से यहाँ आने में जो वर्क डन होगा, मान लो ये डब्लू टू होगा, तो डब्लू टू जो वर्क डन होगा, फिर वहाँ देखो तो ये फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट आपका किधर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की ओर है, ये है डिस्प्लेसमेंट, तो इस केसेस में अभी जो वर्क डन होगा वो माइनस ऑफ एफ डी होगा। तो ड्यूरिंग टोटल वर्क डन क्या हो गया, टोटल वर्क डन कितना हो गया, तो डब्लू वन प्लस डब्लू टू जोड़ दो राउंड ट्रिप में, तो तुम लिखो माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डी हो गया। राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं है। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये जब ब्लॉक जब इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक पे निगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक की जो इनर्जी है, कहीं ना कहीं जो इस ब्लॉक की इनर्जी है, उस इनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और वो किसको दे रहा है, तो वो दे रहा है इंटरनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लॉक और अर्थ सिस्टम के थर्मल एनर्जी में, ब्लॉक प्लस सरफेस को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो जो ट्रांसफर है वो किस फॉर्म में हो रहा है, तो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। जब ये ब्लॉक बैकवर्ड होकर के उसी पोजिशन पर आता है, तो फिर वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी इस ब्लॉक को दोबारा नहीं मिल रही है। द एनर्जी इज नॉट रिसीव्ड व्हेन द ब्लॉक रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशंस। कहने का क्या मतलब है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में मोशंस के दौरान जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के दौरान वो एनर्जी फिर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में तब्दील हो जानी चाहिए थी, अगर ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो। लेकिन चूंकि एनर्जी जो है सो रिवर्ट बैक नहीं हुई, इसीलिए हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा, और वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसके द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स इसके द्वारा जो वर्क डन हुआ या इसके द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो रिवर्सिबल नेचर का नहीं था। जितनी एनर्जी मैंने ट्रांसफर की, उतनी एनर्जी बैकवर्ड जर्नी के दौरान नहीं मिली, एंड दैट्स वाई दिस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है।
तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की एंड फाइनली वी हैव ए कंक्लूजन दैट इन ए सिचुएशन इन विच W1 इज इक्वल टू W2, ठीक है, एक डायरेक्शन में जो वर्क डन हुआ और रिवर्स होने पे जो वर्क डन हुआ, अगर वो ये जो इक्वेशन फुलफिल होता है इज ऑलवेज ट्रू इन ए सिचुएशन इन विच दिस इज ऑलवेज ट्रू, द अदर टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। जैसे हमने देखा कि जब ब्लॉक स्लाइड होता है तो स्लाइडिंग के केस में जब ब्लॉक इधर की ओर जाती है, ठीक है, जब ब्लॉक इधर की ओर जाती है तो हमारा जो वर्क डन है, और जब ब्लॉक लौटती है तो जो हमारा वर्क डन है वो सेम ही निकल के आता है, तो ये इक्वेशंस होल्ड नहीं करता है। सो द अदर टाइप, इसीलिए उस समय जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ उस एनर्जी के ट्रांसफर को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते हैं, ठीक है, और जो फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो फोर्स था एफ, वो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कहलाता है, ठीक है। ए फोर्स दैट ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ टू वे कन्वर्जन बिटवीन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो आपको ये, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स था, आपने एप्पल को ऊपर की ओर फेंका और एप्पल नीचे की ओर फेंका, जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है कि इनिशियली एप्पल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, जैसे जैसे एप्पल ऊपर की ओर जाता है टॉप मोस्ट पोजिशन पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बचती है, तो जर्नी के मिडिल पॉइंट पर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी घटती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो अल्टीमेटली ये कौन कर रहा है, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही इस कन्वर्जन को अंजाम दे रहा है, तो आप कह सकते हो क्या चीज की कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो टू वे कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को अलाउ करता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग के केस में भी वही हो रहा था, जब आपका स्प्रिंग था, ये सिस्टम था, यहाँ पे स्प्रिंग था और इसके साथ ब्लॉक अटैच था, तो जब ब्लॉक इनिशियली इधर की ओर मूव किया इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्योंकि इसकी स्पीड घट रही थी, फोर्स इस पर नेगेटिव वर्क, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को घटा रहा था, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जा रही थी किसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो रही थी, ब्लॉक प्लस स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो रही थी, फिर जब रिवर्स बैक हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी निकल के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एक्चुअली में आप कह सकते हो क्या चीज की एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपका एनर्जी जो है सो दोनों डायरेक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा चीज है, एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट देयर वर्क इज ऑलवेज रिवर्सिबल, नेचुरली आपने देखा एट एनी ऑलवेज रिवर्सिबल, ठीक है, मतलब एनी एनर्जी यहाँ जो है ना, एनी एनर्जी डिपॉजिटेड इन द एनर्जी बैंक कैन लेटर बी विथड्रॉन विदाउट लॉस, है जितनी एनर्जी आपको इस डायरेक्शन में मोशंस के दौरान इसमें कंजर्व गई उतनी एनर्जी जो है वो रिवर्ट बैक आपको हो जाती है। दूसरी बात है आपको क्या चीज कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, जैसे वर्क डन बाय द स्प्रिंग आप माइनस ऑफ यहाँ पे डेल यू लिख सकते हो, या वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को आप पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसको हम लोग उसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी, बॉडी जैसे ग्रेविटेशनल अब एप्पल है, एप्पल को आपने डायरेक्टली अपवर्ड फेंका या इस पाथ को फॉलो करता हुआ ये फेंका, तो दोनों के केसेस में जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट, मतलब वर्क डन सेम ही होगा। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। व्हेन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है तो टोटल वर्क डन आपका जीरो होगा।